इस लकड़ी के टुकड़े का क्या करूं? इसका गुलेल बनाऊं क्या? नहीं जेफ, ये बड़ा ही प्यारा है, इसकी बांसुरी बनाते हैं। माधुरी, तेरे साथ क्या किया इन लोगों ने? ए अंकल को बाहर निकालने में मदद करोगे? हा? तुम्हें जाकर एक चीज लानी होगी। वहां सरदार के कमरे में लोहे का एक हेलमेट रखा हुआ है जो मेरे सर का ताज है। वहीं खटिया के बगल में एक दराज है, उसके अंदर है, रंग लाल। समझ में आया? ये मेरा कच्चा है। मुझे पता था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसे भोजपुरी में समझा। तहरा कहत बानी सर का कंटोप। ये छोटा डायनासोर हेलमेट लाना है ग्रूट। तो क्यों नहीं कोशिश करता? लुल हो गई। ये फोरकर की आंख है, वो सोते वक्त उसे निकाल देता है। जाओ फिर से देखो। पर ये आंख यहीं छोड़ के जा। पर क्यों? क्योंकि कल सुबह उसके पास अपनी आंख ढूंढने के लिए आंखें नहीं होगी। ये एक टेबल है, टेबल और हेलमेट में फर्क है बेटा। प्लीज कह दे कि तेरे जहाज में एक फ्रिज है जिसमें ढेर सारे पैर के अंगूठे रखे हैं। इसका मतलब ये किसी के पैर का अंगूठा काट के लाया है। ये बटन, इससे ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये वाला दबाना, फिर तुझे 5 मिनट के अंदर वहां से निकलना होगा। अब सुन, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बटन मत दबाना, वरना बॉम्ब उसी वक्त फट जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। चल अब बता, मैंने तुझे क्या क्या समझाया? बिल्कुल ठीक। नहीं, ये वाला बटन दबा के सबकी जान लेगा क्या? फिर से कोशिश कर। अरे नहीं यार, अभी तो बोला ये वाला नहीं, दिमाग में दीमक है क्या? वहां नीचे जाकर तुझे कौन सा बटन दबाना है मुझे बता भी। नहीं, ओए तू उसे डरा रहा है। चुप कर और कहीं से टेप लेकर आ। देख किसी के पास कोई टेप है क्या? मुझे बॉम्ब वाले बटन पे टेप लगा। क्यों रहोगे, चलेगा कि नहीं? किसी के पास टेप नहीं है। किसी के पास टेप नहीं है? नहीं। तूने नेब्यूला से पूछा? हाँ। सच सच बोल। अरे यार, जब योंडू को पूछा वो बगल में बैठी थी। मैं जानता था तूने उसे नहीं पूछा। अपने बैग में कीमती बैटरीज और एटॉमिक बॉम्ब लेके घूमता है, तो टेप भी तेरे पास ही होना चाहिए ना। अरे कब से भाई को कह रहा हूँ, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तू बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है, समझा?